गुड मॉर्निंग क्लास एट। हम लोग समास अध्याय के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या एक और प्रश्न संख्या दो पिछली कक्षा में कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या तीन को करेंगे, जो है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यहाँ पर समस्त पद दिए हुए हैं, हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं। मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन का क, प्रश्न संख्या तीन का हमारा समास विग्रह और है समास का नाम। समास का नाम तो एक एक करके हम लोग करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या क, प्रश्न है सतसई, इसका समास विग्रह होगा सात सौ दो हो का समूह। क्या होगा? 700 दोहों का समूह। कौन सा समास होगा? पहला पद क्या है, पहला उत्तर पद क्या है? हमारा संख्यावाची है, तो क्या होगा? यह द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है राजाज्ञा, इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। प्रश्न संख्या ख है, राजाज्ञा होगा राजा की आज्ञा। राजाज्ञा कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है ग, ग में दिया हुआ है अजात शत्रु, इसका होगा शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका, शत्रु पैदा नहीं हुआ। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, नहीं हुआ है जिसका, शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका। कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, बहु व्रीही, बहु व्रीही समास। हमारा अगला प्रश्न है घ, घ में दिया हुआ है मृत्युंजय, इसका क्या होगा? मृत्यु को जीता है जिसने। क्या होगा? मृत्यु को, माफ कीजिएगा, मृत्यु को जीता
है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जिसने मृत्यु को जीता है। जिसने कौन सा समास होगा, यह भी बहुव्रीही समास होगा, बहुव्रीही समास। तो श्यामपट पर स्थान उपलब्ध नहीं है और लिखने का, इसलिए मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। मैं हट जा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। मैं अब ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है अंग। अंग में दिया हुआ है सप्तपदी। क्या दिया हुआ है? सप्तपदी। तो इसका होगा सात पदों का समूह, सात पदों का समूह। कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है छ नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होगा इसका? प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, कर्मधारय। कौन सा समास होगा? कर्म धारे समास। हमारा अगला प्रश्न है छ नंबर। हमारा प्रश्न है नरसिंह। क्या दिया हुआ है? नरसिंह। इसका होगा नर रूपी सिंह, नर रूपी सिंह। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। नर रूपी सिंह, नरसिंह, नरसिंह। उसके पश्चात बोर्ड पर स्थान कम है, मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे का। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चले जाते हैं ज नंबर। हमारा प्रश्न है अगला शोकाकुल। क्या होगा? शोक से आकुल, शोक से आकुल। कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है छ नंबर में दिया हुआ है गगन चुंबी। क्या दिया हुआ है? गगन चुंबी। तो इसका होगा गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। क्या होगा?
गगन चुंबी का होगा, गगन को चूमने वाला कौन सा समास है? यह भी है तत्पुरुष समास। यह भी है तत्पुरुष समास। हमारा अगला और अंतिम या नंबर, या नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रदूषण रहित। इसका क्या होगा? प्रदूषण से रहित। क्या होगा? प्रदूषण से रहित। यह भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो आप लोगों का आज यह समास अध्याय समाप्त हुआ। इसके पश्चात हम लोग टर्म वन का जो दो अध्याय हैं, टर्म वन के दो अध्याय आप लोग को पढ़ने हैं, और संज्ञा और सर्वनाम, उसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज हमारा समास पूरा हो गया। आप लोग यहाँ से देखकर अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा, कोई समस्या हो तो ई पोर्टल पर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं संज्ञा।